सो यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली यार फिर से आपका भाई अपने मोबाइल स्क्रीन पे मतलब आपने चैनल पे वापस आ चुका है, क्योंकि यार कुछ काम में फंसा हुआ था। चैनल मोनिटाइज होने में मतलब कुछ ज़रूरी काम वाम था तो वहाँ पे मैं फंस गया था। और आपका भाई यार आप लोग को थैंक यू यार, धन्यवाद, क्योंकि यार आपका भाई के चैनल पर सिंपली यार 3,000 सब्सक्राइबर आ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद यार। तो यार आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी स्लो सॉन्ग को रिमिक्स कैसे करें अपने मोबाइल से। अगर आपके पास एफएल मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप कर सकते हो, तो अगर नहीं है तो यार यूट्यूब पे सर्च मारो एफएल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करें, और आप कर सकते हो बहुत ही आसान से। तो मैंने भी वहीं से देख के और डाउनलोड किए हैं। तो बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई मुझे बताओ एफएल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे किए आप, ये बताओ और कैसे करें। तो भाई यूट्यूब पर सर्च मारो और 4-5 वीडियो देखो, पता चल जाएगा। तो चलिए यार वीडियो करते हैं स्टार्ट, और हम आप लोग को दिखा देते हैं कि किसी भी सोलो सॉन्ग को मिक्स कैसे करें। तो चलिए यार वीडियो करते हैं फाइनली स्टार्ट। तो फ्रेंड मैं फाइनली आ गया अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, और फ़ोन के स्क्रीन पर आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि सोलो सॉन्ग को मिक्स कैसे करें। तो चलिए यार वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है बैक ट्रैक किट। तो कुछ इंटरफेस ऐसा रहेगा, मैं आपको नाम अपने डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। तो बैक ट्रैक किट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे ये खुलेगा। तो इसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी, देखिए साइड में लाइब्रेरी लिखा हुआ है, उस पर आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे सॉन्ग लिखा हुआ है, सॉन्ग पर क्लिक कर देना। जैसे ही सॉन्ग पर क्लिक करोगे यहाँ पर सर्च का आइकन मिलेगा आपको, तो कोई सा भी आप सोलो सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है चेहरा तेरा जब जब देखूँ, ये मेरा सॉन्ग है। तो यहाँ पे इस पर टाइप करेंगे, जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पे आपका बीपीएम बन के आ जाएगा कि यह कितने बीपीएम का है। तो यहाँ पे अभी बता रहा है 176 बीपीएम, तो 176 बीपीएम तो काफ़ी हाई हो गया, मतलब काफ़ी फास्ट गाना हो गया। तो ये गलत बता रहे हैं, यहाँ पे आपको 176 को 2 से डिवाइड कर देना है, तब आपका इसका बीपीएम पता चलेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सोलो सॉन्ग का बीपीएम इसमें डबल दिखाता है। तो 176 डिवाइड 2 से, तो इसका बीपीएम अभी 88 है। तो इसका बीपीएम चेंज करना होगा। सबसे पहले चेंज करने के लिए यहाँ पे बीपीएम पे एक बार क्लिक करना और जस्ट आपको स्क्रॉल करना, तो इसका बीपीएम चेंज यहाँ से हो सकता है। तो मैं सिंपली इसका 105 बीपीएम कर देता हूँ। आपका जैसा मर्जी हो, आप जितना पे कर सकते हो इसे रिमिक्स, जितना फास्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली 210 करूँगा, तो जब जाके 105 बीपीएम ये होगा, क्योंकि डबल में यहाँ पे दिखा रहे। तो मैं 210 यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जैसे ही 210 कर दिया तो यह 210 मतलब 105 बीपीएम का बन गया। तो सिंपली अब इसे 210 पे क्लिक करके एक बार ना, और यहाँ पे बैक वाले बटन पे एक बार क्लिक कर देना, तो यहाँ पे 210 आ गया है नीचे में। और ऊपर आपको सेव दिखेगा, उस पर टाइप करके आपको सेव कर लेना। यहाँ पर ओके करोगे तो आपका ये सॉन्ग 210 बीपीएम, 210 के आधा 105 बीपीएम में यह सेव हो जाएगा। तो जैसे कि पहले से मैं सेव कर रखा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फाइल मैनेजर ओपन करके। तो यहाँ पे जैसे फाइल मैनेजर ओपन किया, ये देखिए चेहरा तेरा जब सॉरी फाइल मैनेजर जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे बैक ट्रैक किट नाम के एप्लीकेशन का फाइल बन जाएगा। तो उस पर आप टाइप करना है, जहाँ जैसे टाइप करोगे यहाँ पर चेहरा तेरा जब जब देखूँ यह सॉन्ग देखिए आ गया है बन के। तो सॉरी कॉल आ रहा है किसी का, तो यहाँ पे बन के आ गया है सॉन्ग। अब क्या करना है, इसको अपने एफएल मोबाइल एप्लीकेशन में ले जाना है और 105 बीपीएम के आपको सेट कर लेना है एफएल मोबाइल एप्लीकेशन में। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, और इसको इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पे एफएल यूजर, और जस्ट मैं सैम्पल में ऑल बीपीएम में पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है ऑल बीपीएम में, अब हम चलते हैं अपने एफएल मोबाइल के अंदर। तो जैसा कि यहाँ पे मैं अपना एफएल मोबाइल के अंदर आ चुका हूँ, अब यहाँ पे वो सॉन्ग लेंगे, प्लस के आइकन पे जाएंगे, ऑडियो क्लिप पे, मैं सिंपल पे, और मैंने ऑल बीपीएम में अभी पेस्ट किया, उसको ले लेंगे। तो ये रहा, तो मैंने ये सॉन्ग ले लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, मैं पहले से एक वो बना रखा हूँ
क्या कहते हैं उसको, सिंपल, सबसे पहले आपको सॉन्ग लेने के बाद यहाँ पे बीपीएम 105 कर देना है। जस्ट 105 हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए कुछ बना रखा हूँ, आपको सुना दे रहा हूँ क्या सब इसमें मैं लगा रखा हूँ। तो पहला तो यह सॉन्ग किक है, इसके बाद यह ढोल की है, इसके बाद किट है, सॉरी हिट हैट है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ से ये चालू हो रहा है, यहाँ से हमारा बीट बन रहा है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे लाएंगे बीट के सामने और इसे देखते हैं चला के एक बार। तो अभी मैंने इस सॉन्ग को मास्टरिंग नहीं किया है, सिंपली पहले मास्टरिंग आपको कर लेना है। यहाँ पे साइड में आइकन है, उस पर टैप करना है प्लस के आइकन पे, जस्ट यहाँ पे प्रेमा क्यू जैसा मैं कर रहा हूँ आपको वैसा कर देना, लो सेल्फ में डाल के, और इसे नीचे जस्ट इसे भी ऊपर थोड़ा सा ऊपर करना, ज़्यादा नहीं, और इसे 20 पे लाना है, प्लस के आइकन पे जाना है। फिर से यहाँ पे ग्राफिक क्यू ले लेना है, इसको नीचे, इसको नीचे, इसको थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा नीचे। अब देखते हैं सुन के। तो इसमें ऐसे ही आप मिक्स कर सकते हो सलो सॉन्ग को, मतलब बीपीएम चेंज करके। तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और इस वीडियो में जो भी भाई पहले कमेंट करेगा उसका चैनल करूँगा प्रमोट अपने कम्युनिटी टैब में, और कम्युनिटी टैब में जो भी वीडियो का लिंक डालूँगा आप उस पर ज़रूर जाना, ज़रूर से ज़रूर यार चैनल को, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो नेक्स्ट हो सकता है आपके भी बारी आ सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके वीडियो का भी आप लोग वॉच कीजिएगा। चलिए मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वाली वीडियोज में। तो आपको शायद पता चल गया होगा बीपीएम चेंज करके किसी भी सोलो सॉन्ग को मिक्स कैसे कर